ललन भाई, एक बात बहुत देर से दिमाग में चक्कर लगा रही है। अरे तो लगने दो ना, जब थक के गिर जाएगी तो ललन के पास ले आना, कसम मैं ऐश्वर्या की सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। तुम्हें भी इस वक्त मस्करी सूझ रही ललन भाई, क्या मैं अपनी बेगम की परेशानी में परेशान हूँ और तुम? अरे इमरान भाई, जब तक बताओगे नहीं परेशानी क्या है, तब तक हमें आकाशवाणी से तो पता लगने से रहा। देखो ललन, चक्कर ये है, तुम्हारी भाभी चाहती है कि पूरब वाले टोले के बच्चों को वो रोज आंगनवाड़ी ले आए। अब उन बच्चों के माँ बाप काम पर जाते हैं तो उनके खाने पीने की देखभाल कौन रखेगा? और फिर अगर उनके माँ बाप काम पर नहीं जाएंगे तो उनका पेट कैसे भरेगा ललन? अब वो लोग काम पर जाते हैं तभी तो उन बच्चों की जिंदगी चलती है, तो तुम भी समझते हो ललन। बस यही सोचकर शबनम चाहती है कि वो बच्चे आंगनवाड़ी तक आ जाए, लेकिन परेशानी ये है ललन भाई कि वो बच्चे आंगनवाड़ी तक आएंगे कैसे? अच्छा, हमारी शबनम जीजी को एक बैलगाड़ी चाहिए, हाँ, है ना? ललन हाँ, लेकिन ये बैलगाड़ी आए कहाँ से? बच्चों के लिए बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी के लिए। अरे अरे हाँ रूपन, भैंसा गाड़ी भी तो बच्चों को ला सकती है, क्यों क्या कहते हो ललन? हाँ, पर वो भाई भैंसा गाड़ी के लिए एक भैंस की जरूरत होती है, और हम जानते हैं भैंसों की तुम्हारे तबेले में कोई कमी नहीं। नहीं जाता यहाँ से। अरे मैं अपनी भैंसों से अब ये काम लूंगा, कुछ हो गया तो। अरे क्या बात कर रहे हो ललन भाई, तुम्हारी ऐश्वर्या अगर कुछ बच्चों को ले आएगी तो क्या हो जाएगा? मेरी ऐश्वर्या, मेरी ऐश्वर्या आप बच्चों को ढोएगी? अरे भाई, हम चाहते हैं ऐश्वर्या तुम्हारे लिए हमसे भी बढ़कर है, पर ये इमरान भाई तो नहीं जानते। अरे वो तो दूसरी भैंसों की बात कर रहे हैं जो पहले चलती थी और अब चलती हैं, तुम्हारा प्यार ऐश्वर्या पर देखकर। अरे वो धन्नो रानी जो अब दूध भी नहीं देती। धन्नो से बात की जा सकती है तो बस भाई, उसका मन भी लग जाएगा और शबनम भाभी भी खुश हो जाएगी, तो भेज देते हैं धन्नो रानी को। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरी धन्नो का दिल नहीं लगा तो बात खत्म। अरे ललन भाई, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अब जब तक बच्चे आएंगे मेरे ढाबे में तुम्हारी चाय मुफ्त। और मैं इमरान भाई, अगर तुम्हारा इतना काम करने पर एक चाय का प्याला मांग लूंगा तो मैं कोई गुनाह करूंगा क्या? अरे रूपन, तुम्हारी भी चाय मुफ्त जब तक धन्नो बच्चों को आंगनवाड़ी लाएगी। मतलब मेरा मतलब कि जब तक सारा काम होगा तब तक इस ढाबे में तेरी भी चाय मुफ्त। ललन भाई, भैंस तो आ गई है लेकिन गाड़ी कैसे आएगी? इमरान भाई, हर ताले की चाबी है मेरे पास। तेरी चाबी मेरे पास है, चल। मीम साहब। हम्म जी, वो आपका फोन है। हेलो पापा, आप? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, आपने कैसे फोन किया? क्या क्या हुआ पापा? पापा पूरी बात बताइए मुझे। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप बताइए मुझे क्या। क्या हुआ मिताली? रेट सब सब खत्म। ए मिताली, 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 किसका फोन था? जी वो मेम साहब के पिताजी। मिताली तो पानी लेके आओ, पानी। जी मिताली, मिताली क्या हुआ? मिताली, ए मिताली, उठो, क्या हुआ? बड़े साहब,
पापा को फोन कीजिए। अभी कीजिए, अभी कीजिए। करता हूँ ना। सब खत्म हो गया। सब जगह पर रेड पड़ी है। फोन कीजिए पापा को। आइए बहन जी, आइए इधर से। तुम तो वही हो ना, वो भूत। हाँ बहन जी, मैं ही वो सरोज, मौसी है मेरी। बस पिछली बार गलती हो गई थी, मगर इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस तरफ से। जैसे ही इमरान भैया ने मुझे बताया कि बच्चों को लाने के लिए उन्हें एक बैलगाड़ी चाहिए, तो बस फट से मैं अपने काम पे लग गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे इस जगह के बारे में बताया। हाँ पता है, ये तो मैं पहले से ही जानता था। आखिर जॉनी गाइड ऐसे नाम नहीं है मेरा। जॉनी गाइड के पास हर मर्ज की दवा है, जिसे देखकर शायद आपके दिल में करार आ जाए और मेरे मन को बहार। वो देखिए। मंगला, वाह, ये तो बहुत अच्छी है। बस थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, फिर ये हमारे काम आ सकती है। हाँ, अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जब हम हैं तो क्या गम है, मरम्मत भी हो जाएगी। और हाँ रुपन, वो ठीक है, पर ऐसे में क्या तुम पूर्वी टोले से बच्चों को हमारे लिए ले आओगे? ये काम थोड़ा मुश्किल है। हमारा काम हम चोली साथियों को रास्ता दिखाना है, और सारा वक्त उसी में निकल जाता है। इसमें जॉनी गाइड आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और इस बात के लिए हमें अफसोस रहेगा। चलता हूँ। अब क्या होगा शबनम जी? भैंस मिल गई, गाड़ी भी मिल गई, तो फिक्र मत कर, चलाने वाला भी मिल जाएगा। बच्चे आराम से पहुंच तो जाएंगे ना? तो बिल्कुल चिंता मत कर, पहुंच भी जाएंगे और खूब खेलेंगे आंगनबाड़ी में। अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अपने जैसे छोटे छोटे दोस्त बनाएंगे, आराम करेंगे। और फिर तुम लोग जब काम से लौटोगी ना, तो ये लोग भी आ जाएंगे। बस लग शुरू ना बहन जी, मैं अपने राकेश को नहीं दूंगी। पर किशोरी। ना बहन जी, मेरा मन नहीं मानता। किशोरी तू क्यों घबराती है? मैं भी तो अपने अशोक को भेज रही हूँ, भेज दे। नहीं शीला, मैं नहीं भेजूंगी। ठीक है किशोरी, जब तेरा मन करे तो भेज देना अपने राकेश को। ठीक है, चलो अब हम भी बेफिकर होकर अपना काम कर सकेंगे, नहीं तो सारा ध्यान तो इनमें ही लगा रहता था। और क्या, तभी तो टिंकू के बापू ने जाने की एकदम हामी भर दी। चलो बच्चों, अब हम चलेंगे। हाँ चल मेरी धन्नो, बच्चों को आंगनवाड़ी पहुंचाना है। गाओ बच्चों, गाड़ी चली हमारी, देखो धम 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 धम, पहुंचेंगे हम आंगनवाड़ी, झम 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 झम। जी आप, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना। माफ करना, इस वक्त चली आई,
तुम्हें परेशान किया ना, कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए इस वक्त चली आई। एक बात पूछनी है कमला। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान किए हुए है, और मुझे लगता है वो बात कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी हुई है। जो बीत गई सो बात गई। वो कहना क्या चाहती है बहू? हमने अपने बच्चे नहीं पाले इस घर में। कौन है वो? अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।